और अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां पर नेशनल हाईवे 730 पर यातायात विभाग के द्वारा आज वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 60 वाहनों को चेक किया गया। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 730 से है, जहाँ पर गिलौला के पास नेशनल हाईवे 730 पर ओवर स्पीड, फॉल्ट नंबर प्लेट, हेलमेट आदि को चेक किया गया। यातायात प्रभारी तथा उनकी टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए ये कार्रवाई की, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल दिखाई पड़ा। इस दौरान लगभग 60 वाहनों को चेक किया गया, 45 वाहनों का ई चालान किया गया। इस दौरान TI मनीष कुमार पांडे, हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा, कांस्टेबल ममतेश यादव, कांस्टेबल अखिलेश कुमार आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में ये अभियान चलाया गया, जिसमें 45 वाहनों का ई चालान किया गया। इस दौरान सीट बेल्ट न लगाए वाले तथा हेलमेट न लगाने वालों को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही जो नंबर प्लेट की समय चेकिंग की जा रही है, उस पर भी ध्यान दिया गया। ऐसे भी वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग की गई और सही तरीके से नंबर प्लेट न मिलने पर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न पाने जाने पर उनका भी चालान किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना बहराइच मार्ग के गिलौला के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर यातायात प्रभारी व उनकी टीम ने यह अभियान चलाते हुए 45 वाहनों का ई चालान किया। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल दिखाई दिया। श्रावस्ती जनपद के इकौना गिलौला मार्ग का यह पूरा मामला है, जहाँ पर नेशनल हाईवे 730 गिलौला के पास यह चेकिंग अभियान चला, जिसमें 5 दर्जन से अधिक वाहनों को चेक करते हुए 45 वाहनों का ई चालान किया गया। जो आपने आगे बम्पर लगा रखा है सर, मैंने वो भी नहीं।